गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार मौलाना हैदर अली साहब प्रोग्राम में संचालन करते हुए ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद तारिक गाजी साहब तैयब मैरिज हॉल ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में गद्दी समाज फेडरेशन के प्रोग्राम में स्पीच देते हुए आप लोग को सुने। रुबीना की स्पेशल रिपोर्ट। लोग भी वहाँ पे पहुँचेंगे और बराबर पहुँचते रहेंगे और बराबर साथ में हैं सबके। अब आखिर में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब तारिक गाजी साहब से गुजारिश करते हैं जो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से हम सबको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे अल्लाह नूर भाई जो राजस्थान से आए हुए हमारे बड़े, उनका हमेशा सहयोग रहता है। और हमारे जो है लियाकत अली भाई, ये हमारे कंधे से कंधा मिला के हर पल खड़े रहते हैं। कहीं इनकी ज़रूरत पड़ती है ये तुरंत हाजिर रहते हैं। ये कहते हैं कभी भी मेरी ज़रूरत कहीं भी पड़े, हम समाज के लिए हमेशा खड़े हैं। वैसे ही हमारे मौलाना हैदर साहब जो हमारे यूथ के राष्ट्रीय सलाहकार थे और आज भी हमारे सलाहकार हैं, ये बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और हमें सलाह भी अच्छी अच्छी देते रहते हैं कि किस तरह से काम करना चाहिए समाज के लिए। और हमारे ऐसे ही डॉक्टर सुशील साहब जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव, ये भी हमें हर वक्त जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मैं तो हर टाइम उनसे सलाह लेता रहता हूँ कि आप बताएं आगे क्या करना है। बड़ी अच्छी हर वक्त में राय रहती है, हर चीज़ में राय रहती है, राय देते हैं, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। ऐसे ही हमारे मोहम्मद मुबीन गाजी जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते जा रहे हैं। उनकी भी हर टाइम उससे बातचीत होती रहती है हर काम के लिए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे भाई छोटे सलीम, मोहम्मद सलीम जो है, ये भी बहुत ही अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि हर वक्त ये सब हमसे जुड़े रहते हैं और कहीं भी जाने के लिए होता है, कभी ये नहीं कहते कि नहीं जाएंगे। कोई भी मतलब टाइम हो, उसी तरह से जो है हमारे जैसे फारूक भाई आपके राजस्थान से हैं, ये भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे अशरफ भाई, ये भी इसी तरह से हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। ये सब हमारी टीम उस तरह की है जो बिल्कुल शुरू से हमारे साथ खड़े हुए हैं। और उसी तरह से जैसे इंजीनियर आसिफ, ये बधाइयों से हैं, ये शुरू से ही बहुत अच्छा काम करते चले आ रहे हैं। हर इंसान जो है इनकी तारीफ करता है, इनकी टीम पूरी बधाइयों की जो है, इनके सब जो है तारीफ के लायक हैं ये लोग जो है, और तारीफ की जाए। और आसिफ निजामी जो अभी इनको अध्यक्ष बनाया गया था बधाइयों से, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जितनी टीम हमारी है, चाहे लखनऊ से हमारे जो है जिला अध्यक्ष यूथ के मोहम्मद सईम गाजी, ये भी हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। तो जितने लोग हमारे या हमारे अभी इसरार भाई अभी आए हैं, देर से आए हैं जो, ये भी हमेशा जो है कुछ भी होता है हमेशा कहते हैं मैं साथ खड़ा हूँ। या हमारे इसरार भाई वकील साहब, जिनसे भी मेरी जब भी बात हुई है, जितनी बात हुई है, क्योंकि मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो भाई जितने लोग आए हुए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, चाहे यूथ के लोग हैं चाहे समाज में दोनों लोगों का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ। और रहा जो गांव गांव बताई जा रही तालीम नहीं पहुँच रही है, तो भाई देखिए ये क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई कॉलेज तो इतने हर जगह के हैं, नया कॉलेज बनाया भी जा सकता है मगर उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। कॉलेज नहीं, हम तो चाहते हैं मेडिकल कॉलेज बनाए, और मेडिकल कॉलेज जो बनाए तो कम से कम अपने समाज को जो है
हम 50% जो है रिजर्वेशन दे सकें, छूट दे सकें। मगर इसका काम जब तक नहीं चालू हो रहा है तब तक आप लोग को ही आगे बढ़ाना है, गांव में हो या शहर में हो, हर जगह बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने का मकसद ये है कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ तक तो अब सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ा भी रहे हैं, अगर कुछ लोग नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको हमें ही आगे बढ़ाना है। अगर हमारा पड़ोसी जो है तो हमें ये करना है कि कम से कम उसकी ऐसे मदद कर दें कि उसको पता भी न लगे मेरी मदद कहाँ पे हो गई। क्योंकि हमारे कौम के लोग ऐसे खुददार हैं कि वो ऐसे मदद भी नहीं लेना चाहते। इस तरह से मदद करिए, धीमे धीमे इंशाल्लाह तालीम जो अभी कमियां हैं वो तालीम पूरी होगी, चाहे जो है दुनियावी हो चाहे आखिरत की मतलब जो हो, दोनों हमको लेके चलना है। आखिरत भी अपनी मजबूत करनी है और दुनिया भी अपनी मजबूत करनी है। ये नहीं कि ये दुनिया के उसमें पड़ गए, अगर आखिरत भूल जाएंगे तभी बहुत गलत होएगा, अगर दुनिया भूल जाएंगे तभी गलत हो रहा है। ये तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बताया है कि आप तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। यहाँ तक रहा है कि कुछ लोग जो कब्जे में लिए गए किसी, उसमें सजा उनको दी गई, उनको भी बताया गया, बोला गया कि आप जो भाषा जानते हैं आप इनको सिखा दें और आप जो है बरी हो। तो हमारे जब नबी ने ये चीज़ सिखाई है, बताई है, तो कैसे तालीम दी दें। तालीम तो हमको जो है बच्चों को देना ही देना है, हर हाल में देना है तालीम। तालीम नहीं देंगे तो बहुत पीछे रहेंगे, तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और रहा मेरे भाइयों, जो हम आज तक ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन का काम करते चले आ रहे हैं, हम 2011 से हमने इसकी नींव रखी थी, हमारे जितने साथी साथ में हैं ये सब कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़े हुए हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पे हमारे लोग ना पहुँचे हों। कुछ हो सकता है गांव जो एरिया पड़ जाता गांव का है, हो सकता ना पहुँच पाए हों, मैं अगर नहीं पहुँच पाए वहाँ पे काम हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री, जितने हमारी कार्यकारी के लोग हैं जिले के, उनका ही काम है वहाँ तक उनको जागरूक करना। जब वो जागरूक करेंगे कहीं कोई कमियां हैं तो हमें बताइए, इंशाल्लाह जो हम पे हो सकेगा हम लोग सब करेंगे। ये नहीं है कि जो सिर्फ बोल वचन दिए जा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा मतलब जो है मिशन है। अल्लाह ने चाहा तो हम अपने गांव के लिए हर तरीके से कामयाब होंगे और आप लोग का हमेशा हमें सहयोग चाहिए। कोई भी घड़ी हो, कुछ भी हो, मगर आपको सहयोग देना है। अब हम ही लोग रहते थे, हम लोग बिहार चले जा रहे हैं, अभी आंधी भी तूफान भी रहा है, हम लोग ऐसे ऐसे मौसम में गए हैं, मौसम खराब रहा है, लोग निकलते हुए उस टाइम परेशान होते थे, हम लोग उस टाइम जो है बिहार पहुँचे हैं, बिहार पहुँचे हैं, समझ लिए, लोग चेहरे खिल जाते थे कि भाई आप लोग जो है ऐसे मौसम में भी आ गए हैं। इसी तरह से चाहे राजस्थान हो, चाहे MP हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी हमारा प्रदेश है, हम हर जगह पहुँचे हैं। तो मेरे भाइयों, हम कहना यही चाहते हैं कि आप जो है हमारे जितने भी मेंबर हैं ऑल इंडिया गद्दी यूथ फेडरेशन के या ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के, उनको सबको जो है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है। जब हम बच्चों को जागरूक करेंगे तो इंशाल्लाह हर हाल में बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और रहा जैसे शहर में कहीं भाई गेस्ट हाउस की बात चल रही है, गेस्ट हाउस या मुसाफिर खाना होना चाहिए, ये हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम लोग बाहर से आते, कि लखनऊ ही नहीं और भी ज़िले जो हैं, हर ज़िले में कहीं कुछ न कुछ होना चाहिए। भाई दिल्ली में भी रहा, जैसे आप जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ फेडरेशन का बनाया गया है, बहुत ही नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे जो काम लेना हो आप लिए, मैं गांव के लिए तैयार, हर वक्त तैयार। आज जैसे उनको आना था, आज नहीं किसी कारण आ पाए, क्यों नहीं आ पाए हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती हैं, ये आपस की अंदर की बात होती है, भाई परेशानियाँ हैं वो भी, तो कोई बात नहीं,
उनका कई बार फोन आया, उन्होंने कहा मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ। बाकायदा उनके टिकट भी दे मिलेंगे, मेरे बात करेंगे तो एक बैग टाइमिंग की आने की और आप दस लोग आते, मगर कुछ ऐसा मैटर रहा कि बेचारे नहीं, बहुत अफसोस कर रहा हूँ। पहले भी इसके लिए माध्यम चाहता हूँ आगे से कोई भी जो है जब मैं समाज के लिए खड़ा हूँ तो समाज के लिए काम करूँ। तो इसी तरह से जो है इंजीनियर का इंजीनियर अबू सईद का वो भी नहीं आ पाए हैं, ये सब कुछ साथ में आना चाहिए, इन्हीं कारणों वो लोग भी नहीं पहुँच पाए हैं। मतलब बहुत ही जुझारू लोग हैं, बहुत अच्छा काम आगे करेंगे ये लोग, क्योंकि समाज के लिए इनमें सब में लगन है काम करने। तो इंशाल्लाह दिल्ली में भी बनेगा, लखनऊ में भी बनेगा, जो शहर हैं जहाँ जहाँ जरूरत है मुसाफिर खाना बने। अभी तो एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ जगह पड़ी हुई है उसमें कुछ कमरे बनवा के छोड़ दिया जाएगा, और बड़ा काम जो रहेगा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बड़ा काम इंशाल्लाह। तो हमारे भाइयों दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि समाज के लिए आप लोग आगे बढ़िए, कंधे से कंधा मिलाइए, हमारी जहाँ जरूरत पड़े इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे, हमारी पूरी टीम पहुँचेगी। कहीं भी कोई भी प्रदेश हो, कोई भी जिला हो, ये नहीं कि हम लोग नहीं पहुँचेंगे। काम करना है तो काम इंशाल्लाह समाज के लिए करते रहेंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा खुद सबको समझ में आएगा कि हम लोगों ने कैसे काम किया। काम का मकसद हमारा इतना है, इस तरह से है सभी, कोई जिला कोई भी प्रदेश हो, कल को हमारी कोई जरूरत पड़ती है, हमारे भाइयों की जरूरत पड़ती है, या अल्लाह ने करे कोई ऐसी बात हो तो कम से कम हर जिले में, हर प्रदेश में, चाहे मतलब तहसील स्तर का हो, हर जगह जरूरत पड़ती है तो हम लोग एक धरना प्रदर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार तक भी आवाज़ पहुंचेगी, तो सरकार को महसूस होगा नहीं इनके साथ चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो बातियाँ हो रही हैं कहीं हम नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हम लोग ऐसे कुछ दबे हुए हैं, ऐसे मामला हैं, ऐसी सरकारें हैं कि हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? वजह सिर्फ यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे भाइयों के ऊपर कोई तकलीफ आए, कोई मामला ऐसे आए। तो इंशाल्लाह इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे, मतलब अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि नमाज अजान भी हो चुकी है और नमाज भी पढ़ना है इंशाल्लाह। फिर ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, और जो रहेगा आगे काम भी बेहतर होता रहेगा, इससे बेहतरी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।